ये नेक्सोन के अंदर हमने साइड मिरर ऑटो फोल्ड लगा दिए, जो अनलॉक करते ही हो जाते हैं अनफोल्ड और लॉक करते ही फोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट बार टच करने पर ये अनफोल्ड हो जाता है। स्विच इसमें हमने ये टाटा का ओरिजिनल पार्ट लगाया है, देख रहे हैं। आ जाइए हमारे पास नेक्सोन की XM मॉडल। जी हाँ, नेक्सोन की XM मॉडल है, जिसमें साइड मिरर में इंडिकेटर लगा हुआ है और साइड मिरर के अंदर ऑटो फोल्ड नहीं है। तो आज हम इसके अंदर साइड मिरर नहीं चेंज करने वाले, इन्हीं शीशों के अंदर हम मोटर लगाएंगे, स्विच लगाएंगे और लगाएंगे रिले और इसको करते हैं ऑटो फोल्ड। अंदर से भी दिखा दूं मैं आपको, ये जो है इसके अंदर स्विच लगा हुआ है, इसके अंदर ऑटो फोल्ड का ऑप्शन नहीं है। इसी के अंदर हम स्विच भी पूरा चेंज करेंगे और हर चीज़ लगा कर आपको दिखाएंगे, स्विच वायरिंग रिले सारी चीज़ें हम इसको चेंज करने वाले हैं। और इसके अंदर लगाएंगे हम ऑटो फोल्ड OVRM, इन्हीं शीशों के अंदर मोटर फिट करने वाले हैं। तो देखते रहिए कैसे इसके अंदर मोटर फिट होगी और क्या खर्च। हम ये XM मॉडल के अंदर जो सेमी ऑटोमेटिक मिरर थे, इस मिरर को हम ओपन करेंगे और इसी मिरर के अंदर हम आज ऑटो फोल्ड इंस्टॉल करने वाले हैं। देख रहे हैं ये हाथ से फोल्ड वाला मिरर है, ये ऑटो फोल्ड नहीं है। और इसके अंदर हम आज खोल के मोटर इंस्टॉल करने वाले हैं, इसके अंदर हम प्रॉपर इसकी ऑटो फोल्ड लगाएंगे और इन शीशों को ऑटो फोल्ड ORVM बनाएंगे। ये देख रहे हैं हमने नेक्सोन XM का साइड मिरर उतार लिया, इसमें इंडिकेटर भी है, अंदर से एडजस्टमेंट भी है, लेकिन ऑटो फोल्ड नहीं है। इसकी वायरिंग में आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑटो फोल्ड वाला मिरर नहीं है, हाथ से फोल्ड वाला। हाथ से फोल्ड करके दिखाइए मोटर इसको, ये हाथ से फोल्ड वाला मिरर है और इसमें ऑटो फोल्ड नहीं लगा हुआ। अब हम इन्हीं शीशों के, कंपनी ओरिजिनल शीशों के अंदर कंपनी की ओरिजिनल मोटर लगाने वाले हैं, वो आपको दिखाएंगे और प्रॉपर पूरी तरह से वर्क करेगा, सेंटर लॉकिंग के साथ भी है। और जा रहा हूँ आज हम नेक्सोन के अंदर लगाने जा रहे हैं साइड मिरर के अंदर ऑटो फोल्ड की मोटर। जी हाँ, साइड मिरर जो आपका बेसिक साइड मिरर है, जो सेमी एडजस्टमेंट XM मॉडल में जो आता है, जो हाथ से फोल्ड होता है और अंदर से एडजस्टमेंट होता है, उसी के अंदर हम ऑटो फोल्ड लगाने जा रहे हैं। अगर आपका डंडी वाला शीशा है तो आप उसके अंदर भी ऑटो फोल्ड लगा सकते हो, लेकिन उसका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमने शीशे आपको दिखाए हैं कि हमने उतारे हैं, उसके अंदर इसको हमने अनवाइंड कर लिया, अनफोल्ड कर दिया। देखिए आप, इनको हमने पूरी तरह से अनफोल्ड कर दिया है, ये पूरी तरह से उतार दिया है, ये इसके अंदर मोटर, ये हमने पूरी उतार दी है और ये इसको बिल्कुल हमने पार्ट में डिवाइड करके इसके अंदर ये ऑटो फोल्ड हम लगाने जा रहे हैं। ये मिरर के अंदर हम ऑटो फोल्ड लगा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, इसके अंदर हमने ऑटो फोल्ड को पूरी तरह से लगा दिया। ये एक हमारा अपना ऑन कह लीजिए कि हम खुद करते हैं, कोई भी लड़का इसमें बाहर से हायर नहीं करते हैं, प्रॉपर फिटिंग के साथ करते हैं। और इसके अंदर हम जो लगाने जा रहे हैं वो अपनी प्रॉपर रील लगाने जा रहे हैं, जो हमारी अपनी classicaccess.com की रील है। और ये जो पूरी वायरिंग है, ये पूरी वायरिंग आप देख रहे हैं, ये पूरी की वायरिंग हमने खुद बनाते हैं, हमारे ऑन प्रोडक्शन है, रिले हमारी ऑन मैनुफैक्चरिंग है। और ये जो हमने रिले बनाई है जस्ट प्लग एंड प्ले, देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा दूँ इस चीज को, देखिए ध्यान से, ये प्लग एंड प्ले रिले बनाई है हमने, सिंपल प्लग है, कोई भी वायर आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले रिले लगाकर हमने ये जो रिले बनाई है कंप्लीट बनाई है। और इसके साथ जो हम स्विच लगाने वाले हैं, इसके साथ जो हम स्विच लगाने वाले हैं वो टाटा का ओरिजिनल स्विच लगा रहे हैं, कोई भी आफ्टर मार्केट या यूज स्विच नहीं लगा रहे। दिखा दूं ओपन करके आपको, इसके अंदर हम जो स्विच भी लगाएंगे वो भी जेन्युइन स्विच के साथ आपको लगा करके देंगे। इसमें पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर पहले सेमी ऑटोमेटिक वाला स्विच लगा हुआ था, लेकिन इसके अंदर हम ये ऑटो फोल्ड वाला स्विच लगा रहे हैं। जी हाँ, नेक्सोन के अंदर ये प्रॉपर जेन्युइन स्विच, हमारी ओरिजिनल वायरिंग रिले और साइड मिरर, आप ही के साइड में जो आपकी गाड़ी में साइड मिरर लगे हुए हैं सेमी ऑटोमेटिक XM मॉडल के लिए, उसके अंदर हमने ये उसी मोटर के अंदर हमने ऑटो फोल्ड की मोटर इंस्टॉल कर दी है। शीशा अगर आप चाहते हैं कि नया लगाना तो हमारे पास नए शीशे भी होते हैं, देख सकते हैं आप, हमारे पास ब्रांड न्यू बॉक्स पैक साइड मिरर भी होते हैं। लेकिन आप उन्हीं शीशों के अंदर जो आपके अपने साइड मिरर हैं, अपने OVRM हैं, उन्हीं के अंदर ऑटो फोल्ड डलवाना चाहते हैं तो वो प्रोसीजर भी हमारे पास अवेलेबल है।
वो थोड़ा सा चीप होता है प्रोसीजर, साइड में थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है। ये एक देसी भाषा में कहूँ तो ये एक तरह का इंडियन जुगाड़ है जो आप अपने शीशों के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं कोई कमी पेशी नहीं आती। इसके अंदर भी हम आपको पूरी वारंटी देते हैं, पूरी तरह से हर चीज देते हैं, तो आप अगर ये चाहें तो ये भी आप लगा सकते हैं, जेन्युइन स्विच, जेन्युइन वायरिंग रिले के साथ और जेन्युइन फिटमेंट के साथ, और इसे लगाने में आपकी किसी भी तरह की कोई वायर कटिंग नहीं होगी। तो आप अब टाटा के अंदर भी ऑटो फोल्ड ओवीआरएम लगा सकते हैं। क्लासिक का रमेश नगर दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। आगे इसके फिटिंग के बाद का सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा और देखिए कैसे लगता है नेक्सॉन में ऑटो फोल्ड ओवीआरएम। आप चाहें तो अपनी नेक्सोन में ओरिजिनल बॉक्स पैक साइड मिरर भी हमारे से लगवा सकते हैं, या फिर उन्हीं शीशों के अंदर आप ऑटो फोल्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों की कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आता है, तो जैसा आपका बजट हो हमारे पास हर सोल्यूशन है आपकी टाटा नेक्सोन के लिए। टाटा नेक्सोन के अंदर ऑटो फोल्ड, जी हाँ, ऑटो फोल्ड मिरर हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। अगर आप ब्रांड न्यू साइड में चाहते हैं तो वो भी हमारे पास स्टॉक में, लेकिन अगर आप अपने ही पुराने शीशों में ऑटो फोल्ड लगवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, हमारी ओरिजिनल वायरिंग और रिले के साथ, जिसके साथ हम टाटा का ओरिजिनल स्विच लगाते हैं और रिले हमारी अपनी बनी हुई जो कपड़ा टू कपड़ा है वो हम इंस्टॉल करते हैं। तो आप आ सकते हैं हमारे पास क्लासिक का रमेश नगर नई दिल्ली में। जी हाँ, उनके ओरिजिनल मिरर के अंदर जो आपका एक्सएम मॉडल के अंदर सेमी ऑटोमेटिक आता था, उसके अंदर हमने ऑटो फोल्ड को इंस्टॉल कर दिया और अब इसको हम वापस इंस्टॉल कर रहे हैं कार के अंदर। लगा के दिखाइए, पूरी तरह से लगा रहे हैं और इसकी जो वायरिंग हमने बनाई है कपलर टू कपलर, उसके साथ हम इसको चलाएंगे। रिले हमने अपनी बनाई हुई लगाई है जो आपको दिखाई है। तो अब ये गाड़ी में फिट हो रहा है और फिट होने के बाद कैसे काम करता है, कैसे करता है ऑपरेट और क्या क्या फंक्शन इसके अंदर काम करेंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में अंत तक बन। देख रहे हैं, हमने इसमें मोटर इंस्टॉल करने के बाद कपलर टू कपलर इसमें वायरिंग करी है और इसके अंदर हमने ये स्विच जो लगाया ये भी टाटा का ओरिजिनल स्विच लगाया है और ब्रांड न्यू स्विच लगाया जिसके साथ ये फुल्ली वर्किंग कर रहा है। दिखा दूं मैं आपको, स्विच भी इसमें के अंदर ओरिजिनल और नया लगाया गया, और पुराना स्विच कौन सा लगाया गया था दिखाइए साथ में। पहले इसमें ये वाला स्विच लग के आया था, इसमें देख रहे हैं आप ये मिरर का ऑप्शन नहीं था। देखने में दोनों स्विच एक जैसे लगते हैं लेकिन इसमें यहाँ ये मिरर का ऑप्शन नहीं था। अब आप देख रहे हैं हमने इसके अंदर ये जो टाटा का ओरिजिनल स्विच लगाया प्रॉपर फिटिंग के साथ लगाया, जो यहाँ पर लगेगा आप देख रहे हैं प्रॉपर क्लिप के साथ लगेगा और पूरी तरह से ये आपका काम करने वाला। देख रहे हैं एक क्लिक पे बंद खुल हो गया और एक क्लिक पे खुल गया और पूरी तरह से एडजस्टमेंट होगा इसके अंदर और पूरी तरह से ये काम करने वाला है। जी हाँ, एक्सएम मॉडल थी गाड़ी ये, तो इसमें ये जो सेमी ऑटोमेटिक स्विचेस लग के आया था उसकी जगह हमने ये वाला जो स्विच है इसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया और इसके अंदर जो मिरर थे, खाली स्विचेस नहीं, इसके अंदर मिरर के अंदर हमने ऑटो फोल्ड को इंस्टॉल किया है बाकायदा प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर ये हमने ये प्रॉपर रिले लगाई है जो हमारी एक अपनी क्लासिक एक्सेस डॉट कॉम की बनी हुई है और जो वायरिंग यूज़ की है हमने प्रॉपर कॉपर की वायरिंग के साथ, प्लग एंड प्ले देख रहे हैं बिल्कुल प्लग एंड प्ले हमने इसको के काम करके दिखाया और ये पूरी तरह से वर्किंग है साइड में ऑटो फोल्ड। और अब बंद होने के बाद दिखाऊंगा ये सेंटर लॉकिंग के साथ भी पूरी तरह से। नेक्सॉन के अंदर हमने साइड में ऑटो फोल्ड लगा दिए जो अनलॉक करते ही हो जाते हैं अनफोल्ड और लॉक करते ही हो जाते हैं फोल्ड। जी हाँ, ये नेक्सॉन का एक्सएम मॉडल था जिसमें हमने साइड मिरर चेंज नहीं किए हैं, उन्हीं साइड मिरर के अंदर हमने ऑटो फोल्ड इंस्टॉल किए हैं जो पूरी तरह से कामयाब हैं और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ हमने जो इसके अंदर लगाई है जो अनलॉक करते ही अनफोल्ड हो जाते हैं सेंटर लॉकिंग के साथ भी और लॉक करते ही फोल्ड भी हो जाते हैं। अब मैं गाड़ी को अनलॉक करके आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाते हैं कि अंदर से भी काम करता है नहीं। अंदर भी इसका जो ये जो स्विच है हमने इसका ओरिजिनल स्विच इसके अंदर इंस्टॉल किया है, कोई आफ्टर मार्केट स्विच या एक्स्ट्रा बटन हमने इसके अंदर नहीं लगाया, ओरिजिनल स्विच के साथ ही इसको पूरी तरह से कामयाब किया जो कि मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखेंगे जैसे ही हम इसको एक बार ये नीचे पुश करेंगे तो ये फोल्ड हो गया और नेक्स्ट टाइम जब हम इसको नीचे पुश करते हैं तो ये अनफोल्ड हो गया। इसमें पहले ये स्विच लग के आया था लेकिन उसके अंदर ये मिरर वाला बटन नहीं था, पहले इसके अंदर ये वाला स्विच लग के आया था जिसमें आप देख रहे हैं ये ऑटो फोल्ड स्विच का ऑप्शन नहीं था, बटन तो ये भी पुश होता है लेकिन इसके अंदर सर्किट नहीं होता है, काम नहीं करता है। तो इसके अंदर जिस बटन में ये मिरर वाला स्विच वाला ऑप्शन होता है वही स्विच इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है और आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम इसको डाउन करते हैं ये फोल्ड हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट टच करने पर ये अनफोल्ड हो जाता है स्विच। इसमें हमने ये टाटा का ओरिजिनल पार्ट लगाया है,
देख रहे हैं ये टाटा का ओरिजिनल पार्ट हमने इसके अंदर ये इंस्टॉल किया है, इसके अंदर जो हमने इसको यूज़ किया। और अब मैं दिखा दूँ ये पूरी तरह से एडजस्ट भी करता है, देख रहे हैं इसको हमने ऊपर किया तो मिरर ऊपर हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, लेफ्ट राइट भी हो रहा है। तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन जो आप अपनी टाटा नेक्सॉन के अंदर लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़। ऑटो फोल्ड OVRM हमने लगाए हैं टाटा की XM मॉडल के अंदर, आप भी लगाना चाहें तो ये ऑप्शन आपके लिए भी अवेलेबल है। चाहे आपकी गाड़ी XM हो या बेस हो या टॉप मॉडल, कोई भी गाड़ी अगर आपकी होती है तो उस गाड़ी के अंदर आप ये ऑप्शन लगा सकते हो। टाटा नेक्सॉन के अंदर हमने ऑटो फोल्ड OVRM इंस्टॉल कर दिया है, आप भी चाहें तो ऑटो फोल्ड OVRM हमारे से लगा सकते हैं। क्लासिक कार रमेश नगर मेरी शॉप का एड्रेस है और मोबाइल नंबर है मेरा 9818939357।